शमशानों के अंदर मुर्दा फूकने वाली दुखियारी, कौन है तू, कहां से आई है, क्या तेरा नाम है, क्या तेरा गांव है? शमशान भूमि के अंदर ये चुपके चुपके किसकी लाश को फूकने की तैयारी कर रही है? मुझे अपना परिचय दीजिए, मुझे अपने बारे में बताइए, क्योंकि काशी नगरी के अंदर कोई ऐसा नहीं है जिसे काशी नगरी के शमशान घाट के रूलों के बारे में नहीं पता हो। काशी नगरी में कोई ऐसा नहीं है जो बिना परिवार के रह रहा हो। शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं कोई और नहीं, आपकी पत्नी तारा रानी हूं, और ये जो लाश देख रहे हो ये भी किसी और की नहीं, आपके इकलौते बेटे रोहित की लाश है पिताजी। हाँ, ये मेरे पुत्र रोहतास की लाश। हाँ, और तुम तारा हो? हाँ पियाजी। की समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, की समय से भड़के, की समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, कि नर से बड़ा बलवान समय होता है। कि समय समय के खेल हैं तो समय समय की बात, कि कभी समय के दिन बढ़े तो कभी समय की रात। खैर, जो जीव जितने दिन के लिए आया है उसे उतने दिन रहना है। मैं तो ये समझूंगा कि मेरा बेटा रोहतास इतने दिन के लिए दुनिया में था, लेकिन तारा जी, पिया जी, इस लाश को यहां तुम फूकना चाहती हो? जी। ये लाश ऐसे नहीं फूकेगी। तो काशी नगरी के इन शमशानों का रूल है कि यहां जो भी मुर्दा फूका जाता है, इस शमशान घाट का टैक्स 1,000 रुपया होता है। 1,000 रुपया जमा करना होगा और मुर्दे के ऊपर कफन डालना होगा। बिना टैक्स दिए ये लाश नहीं जलाने दूंगा, और बिना मुर्दे के ऊपर कफन डाले ये लाश नहीं फूंकने दूंगा। लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं, फूटी कौड़ी भी नहीं है तो उठा ले लाश, कहीं और जाकर के फूंक ले। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। और घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी नजर में भांगी हूँ मैं, नाराजा नया हरिशंद तेरी नजर में भांगी हूँ। आज वक्त पर
सास रानी सत संगे हूँ, धन्यू के दीना भरा उठाऊं, सास रानी सत संगे हूँ। सत की खातिर छोड़ के आगी, सत की खातिर छोड़ के आगी, राजधानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी। बुजुर्ग हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए ये मोड कौन सा चल रहा है, ये कौन सा मोड चल रहा है। आप बुजुर्ग हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, आपको ये नहीं पता कि रागने का समय क्या है, रागने का भाव क्या है। तुमने कहा कि धोखा दे गया भाग मेरा नाम, इतनी बेढंगी हूं। हाँ जी महाराज, मेरे आने शाने रोहित सुत की मौत निशानी बन बैठी, मेरे याने शाने रोहित सुत की मौत निशानी बन बैठी। तेने बेटे पे दिया छुरा फेर, तू आप निशानी बन बैठी। तेने मुझको पागल समझ लिया, तू आप दीवानी बन बैठी। तेने मेरे दिल में छेद किए, बरमे की कमानी बन बैठी। भला उस दिन को क्यों भूल गई, जिस दिन मिश्रानी बन बैठी, जिस दिन मिश्रानी बन बैठी। दुख बांटेगा और रचा इतिहास तने, और रचा इतिहास मने। हाँ इतिहास तो तारा तो पहले रच चुकी है। नहीं महाराज, याद कर वरना नदी पर मैंने लाके खुशामद की कि तारा ये कच्चा गड़ा पानी का भर के ले जाना, मेरे गात में इतनी समाई नहीं है कि मैं पानी से इस गड़े को भर के अपने सर पर ठालू। आज मेरी विपदा में थोड़ा सा सहारा दे दे, इस गड़े को पानी से बरवा करके मेरे सर पर रखवा दे, तेरा जीवन भर जीऊंगा जब तक एहसान बंद रहूंगा। लेकिन तूने ये कह दिया कि नहीं, तुम्हारे घड़े को हाथ लगाने से मेरा धर्म घट जाएगा। उस दिन तुम्हारा मेरे घड़े को हाथ लगाने से धर्म घट रहा था, तो आज बिना कर बिना कफन के लाश फूंक ले दूं तो आज मेरा भी धर्म है। महाराज मुझ पर रहम कीजिए। न्यू सोची पिया दुख बांटेगा और रचा इतिहास तने, बिन कफन होरे बिन कफन होरे बिना टेक सके ना फूकन दो नास तने, ये बिन कफन होरे बिना टेक सके ना फूकन दो नास तने। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी मैं, वाणी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं।
अगर तुझे लाश यहाँ फूकनी है तो सवार प्रिया मरघट का टैक्स और लाश के ऊपर कफन डालना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास आपको देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो लाश यहाँ से उठा ले, कहीं और जाकर के फूक लेना। नहीं, और यही फूकना चाहती है तो एक एहसान तेरा मेरे सिर के ऊपर है। और वो एहसान कौन सा है? कौन सा? तू भूल गई होगी लेकिन मैं नहीं भूला हूँ तेरे एहसान को। कौन सा? तूने मेरे गढ़े को हाथ नहीं लगाया लेकिन एक विधि बताई। हाँ हाँ। और वो विधि थी कि छाती छाती जल में बढ़ जाइए, पानी से गढ़ा भर करके जल के ऊपर तराइए और झुका करके नाड़ अपने गढ़े को उठाइए। उस समय मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी तो तुमने एक छोटी सी विधि बताई और उस विधि के अनुसार मैंने पानी भरा घड़ा उठाया और अपने मालिक के वहां तक लेकर के गया। अगर तुम्हारे पास सवा रुपया नहीं है तो कफन नहीं है, फिर इसके बदले कोई अनमोल वस्तु कोई चीज तुम्हारे पास हो तो मेरे पास गिरवी रख दो और जब तुम्हारे पास सवा रुपया हो जाए तो यही चली आना और अपनी वस्तु छुटा ले जाना। मेरे मालिक का हुक्म है, बिना टैक्स के लाश यहां नहीं जलने दूंगा। गोदी सोनी हुई पिया जी, दिल धरता न धीर मेरा। सवा रुपया देते सवा रुपया और एक कफन धर दे, सवा रुपया और एक कफन धर दे, तारा बोले अखीर मेरा। इसमें के साझा शीर मेरा, इस जमाने को दे दूंगा, इसमें के साझा शीर मेरा। ओ किस तरिया जलाऊं कुल की, किस तरिया जलाऊं कुल की, निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी कंठी है, ये ले जाइए, मेरे सर का चीर ले जाइए और दे दीजिए अपने मालिक को जाकर के, इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। सजनों, तारा के पास कोई चारा नहीं, गले में जो सुहाग की कंठी थी वो तोड़ करके दे दी कि महाराज अपने सर का चीर फाड़ करके आधा एक रुपए में धर दिया, चाराने शेष रह गए और चाराने में गले की कंठी तोड़ के रख दी। एक रुपए में चीर और चाराने में गले की कंठी, सवा रुपये मरघट का टैक्स और आधी साड़ी कफन के रूप में अपने बेटे की लाश पर डाल दी। उस समय के लिए ऐसी मर्यादा बात के लिए जोरदार ताली बनती है आप लोगों की। सजना, तारा कदापि नंगे सिर से नहीं रही हरिसंत के सामने, लेकिन समय की परिस्थिति, समय की विडंबना, आज शमशान घाट में नंगे सिर से रह गई। लेकर के हरिश्चंद वो चीर और कंठी चलिया, आंखों में पानी भर लाया, छत्तरधारी रो गया के ले रानी का चीर। हरिश्चंद वहां से चलन लग गया और शमशाना में नारे उघाड़ी, लोगों हृदय हालन लग गया।
रोता हुआ मालिक के पास जा रहा है। तारा हाथ फैलाती रह गई कि हे पिया, अपने हाथों से इस लाश में कम से कम आग तो देते जाइए। एक ना सुनी, रोता हुआ मालिक के पास चल दिया। तारा रोती हुई क्या कह रही है, परमेश्वर उससे ढाल रही है तो जिस ढाया राखे परमेश्वर उससे ढाल रही है तो पिया तेरा भी हक है बेटे पे, अब तो दाग लगई है तू। नई बस्ती गुरु धाम जे करण हरदम शीश झुकई है तो नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकई है तो गुरु शरण चाहूं सेवा, गुरु शरण चाहूं सेवा, ठाणी तेरी प्रमाणिक बड़ी ऐतिहासिक बात मेरे सभी श्रोताओं ने बुजुर्गों ने सुनी।